न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। जिला बरेली में तहसील थाना क्षेत्र के क्यूलड़िया के ग्राम करुआ साहबगंज में आपको बता दें 30 वर्षीय युवक का गांव से बाहर नहर के पास पेड़ में लटका हुआ शव मिला है, जहां पर आपको बता दें पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली है। आइए परिवार वालों से बातचीत करते हैं, पूरी खबर पर नजर डालते हैं। जिला बरेली तहसील व थाना क्षेत्र के लौड़िया में ग्राम करुआ वैसाबगंज के लिए 30 वर्षीय युवक का गांव से बाहर नहर के पास ही पेड़ पर शव लटका हुआ मिला है और जिसमें क्षेत्र में से सनसनी फैल गई है। मतिरक शेर सिंह गांव के ही खाद के दुकान व जन सेवा केंद्र चलाता था और दीपावली की रात में वो गांव के ही राकेश काटेदार के घर में गया था और परिजनों ने बताया है कि रात के करीब 10 बजे उसके घर पर राकेश काटेदार व चेतराम आए थे और वह बताया कि शेर सिंह का गांव में से हेमराज से झगड़ा हो गया था। उसके बाद शेर सिंह घर नहीं पहुंचा है और सुबह को परिजनों को जानकारी मिली है तो शेर सिंह को वे किसी ने मार दिया है। जब परिजनों ने वे खेत पर जाकर देखा है तो मतिरक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला था और जिसमें देखकर घटनास्थल पर ही कोहराम मच गया है और परिजनों ने गाँव के ही राकेश काटेदार व चेतराम पर आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला क्या है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हमारा लला आएगा, क्या हुआ था शाम? अरे कछुए ना आएगा, कछुए ना आएगा, घर से तो दोपहर गए हुए मोटरसाइकिल से गए जगह पता ना किन्नर वगैरह मोटरसाइकिल को उठाड़ी लला कहूँ मारो टांगो कहूँ जाए के गाड़ी हमारे गाड़ी घर अवे ले आए है, पुलिस वाले ने गाड़ी भेज दी घर अवे भाई भी गाड़ी। तो किस पे आरोप आप लगा रहे हैं? अब पता ना हमारे घर वालों को पता हुआ, हमारे लोगों को पता हुआ, हमें पता ना आवे किसी से। कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश का ऊपर आई जो घूमत रहते सोई जत रहते सब गाँव में जाते गौटियों में जाते और पुरानी रंजिश का ऊपर ना आई जत रहते काम करते हमारे बालक तब जत रहते आदमी कहते हैं कि देखो काम करते थे काम वाने दुकान है हमने खोली बैंक की दुकान पर मशीन लाओ है और अपने जो का कहते तो जो कंप्यूटर वाली मशीन है कमरा में बैठा था कल दोपहर से वहीं से उठ के गाओ वहीं से उठ के गाओ घर आते ऐसी कमाई गाओ तो अपने दुकान चलाओ तो हमने कहूँ काम तो करना है। कई बात है किस पर शक लग रहा है आपको? अब शक लग रही है आ जाए तो पता चला है संजय हमारे घर आए दो लोग तो भूजी फिर हमारे छोटे लोग वहाँ से छोटे वाला कहीं को ताका भूजी कहीं वीरपाल वीरपाल कहीं का है कौन आए थे? शेर सिंह। अबे हम भैंसिया दे रहे हम भैंसिया दे रहे वे आए बाके पापा यहीं बैठे हैं डेयरी पर। कौन लोग आए थे? जग उठी यहाँ आए इन्हें खाना खाया राकेश कोटेदार हैं इसी गांव की उनके यहाँ खाना खाया है भाई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं बड़े बता रहे हैं राकेश की लड़ाई हुई है। अच्छा किससे हुई थी? हेमराज से। हेमराज कौन है? इसी गांव के रहने वाले। फिर क्या हुआ? और जो राकेश कोटेदार और चेतराम जो दोनों लोग रात में 10 बजे हमारे घर पर गए थे बुझने लिए बोले शेर सिंह घर पे आए तो हमने घर पे नहीं आए फिर तो अब तो हम जे लोग पकड़े जाए तभी केस खुल जाए सब बता देंगे जी। आपको नहीं पसक है? नहीं पसक है पूरी। आपको कैसे जानकारी हुई? सर जे हमारे घर पे गए थे ना रात बोला देखने के लिए इसलिए बस और यही पे नहीं घर पे गाड़ी खड़ी थी। नहीं ये जो घटना हुई आपको कब जानकारी हुई? ये सुबह जानकारी हुई। सुबह किस टाइम पे? सुबह करीब 7 बजे टाइम पे। कोई पुराना इनसे विवाद चल रहा था किसी तरह से? नहीं वैसे तो खास विवाद कुछ नहीं था छोटी मोटी ऐसी कमी थी होती रहती थी दारू पी के करते रहते थे वैसे कुछ नहीं विवाद। दारू कौन पीता था? यही लोग संग साथ साथ हम दारू पीते थे। अच्छा पुराना कोई विवाद नहीं था? पुराना विवाद नहीं पुराना पैसा था इनका इनके राकेश पे। अच्छा किस बात का पैसा था? उधार लिया था इन्हें दुकान का काम करते खादू तो खादू उधार दी करूँ और वैसे उधार था। कितना रुपये लिया था? रुपया करीब लिखा था 30,000 रुपये। क्या लग रहा है रुपए के लेन देन में घटना हुई? अब ये तो सर वही बताएंगे गिरफ्तार होंगे तभी बताएंगे। आप सोनी पे शक है? लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए